हेलो गाइस, शांति किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं। हमने एक कटोरी पोहे को 2-3 बार पानी में धोकर निकाल लिया था और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसे रख दिया था। इसमें डलने वाली सामग्री, एक उबला हुआ आलू, थोड़ी उबली हुई मटर, रोस्टेड की हुई मूंगफली, एक हरी मिर्च, एक नींबू, 8-10 कड़ी पत्ते, 2 प्याज जो कि हमने इन्हें लंबे लंबे साइज में काट लिया है, थोड़ी सी चीनी, मसालों में 1/2 चम्मच राई, थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हींग, 1/2 चम्मच जीरा। तो चलिए गाइस, पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने पैन चढ़ा दिया है और ये पैन गरम हो गया है तो हमने इसमें 1.5 चम्मच ऑयल डाल दिया है। हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें थोड़ी राई, जीरा डालकर थोड़ी देर भूनते हैं। हमारा जीरा और राई भून गया है, अब हम इसमें प्याज डालते हैं। हम अब प्याज को थोड़ा भून लेते हैं, इसे ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। अब हम इसमें कड़ी लीव डालते हैं और ये कटी हुई हरी मिर्च। हमारी प्याज भून गई है, उबले हुए मटर और उबला हुआ आलू, अब इन्हें मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें हल्दी, नमक और हींग डालते हैं और इसे मिक्स करते हैं। मूंगफली डालते हैं और इन्हें मिक्स करते हैं। अब इसमें थोड़ी चीनी डालते हैं। अब हम इसमें ये पोहा डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा पोहा अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें एक नींबू का रस डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे और हम इसे अब 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो चलिए गाइस, देखते हैं। देखिए गाइस, हमारा पोहा बनकर रेडी है। कितना अच्छा पोहा आया है, बिल्कुल खिला खिला। अब इसे सर्व करते हैं। देखिए गाइस, हमारा हेल्दी पोहा बनकर रेडी है। देखिए गाइस, कितना अच्छा पोहा बना है। अगर आपको हमारी ये पोहे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।